क्या होता अगर हमारे एवेंजर्स थैनोस को टाइटन पे ही हरा देते। अब देखो सबसे पहले बात करें कि एवेंजर्स थैनोस को टाइटन पे क्यों नहीं हरा पाए थे जबकि उसको माइंड में कंट्रोल कर लिया था, तो इसका कारण है अपना स्टार लॉर्ड। क्योंकि स्टार लॉर्ड अपनी मरी लैला के गमोरा के इश्क में बह गया था और इमोशन में आके उसने थैनोस के मुंह पे एक चमाटा मार के उसको अपनी स्वीट ड्रीम्स वाली नींद से उठा दिया। और फिर क्या सारे एवेंजर्स के ही नहीं पूरी दुनिया पूरी यूनिवर्स के एल लग गए। और फिर क्या रूसो ब्रदर्स को फिर से एक मूवी बनानी पड़ी थैनोस को हराने के लिए। देख रहे हो प्यार जब जिंदा रहती है तब भी वो जिंदगी की लगवाती है और मर जाती है तब भी लगवाती, इसीलिए प्यार से दूर रहो। खैर जो कपाट आते हैं मुद्दे पे कि अगर स्टार लॉर्ड ऐसी चूतिया हरकत नहीं करता और स्पाइडरमैन इन्फिनिटी गॉटलेट को निकाल लेता तो क्या होता। तो देखो थैनोस अपने सारे एवेंजर्स को इसलिए टक्कर दे पा रहा था क्योंकि उसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन थे और उसको फाइटिंग स्टाइल की बहुत नॉलेज थी क्योंकि उसको बहुत एक्सपीरियंस थे फाइट के। खैर मूवी में तो हमें ऐसे ही दिखाया गया है। तो देखो अगर इन्फिनिटी स्टोन नहीं होते तो थैनोस की 70% ताकत उसके हाथ से चली जाती, फिर अपना आयरन मैन अपनी नैनो ब्लेड उसको मार देता और उसका सर धड़ से अलग कर देता। हां इस काम के लिए उसको बाकी एवेंजर्स की मदद लेनी होती लेकिन काम हो जाता। और तुमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा कि कैसे दूसरे यूनिवर्स के अर्थ 838 वाले अर्थ के एवेंजर्स ने थैनोस को हरा दिया था, कुछ वैसा ही हाल इस थैनोस का भी होता। और फिर थैनोस को मारने के बाद सारे एवेंजर्स चिल मारते टोनी सारे स्टोन को लेके अर्थ पे आ जाता। और फिर एवेंजर हेडक्वार्टर्स में आने के बाद फ्राइडे को ऑर्डर देता है कि सारे स्टोन की जांच करो और पता करो कि इसका मेन पावर सोर्स कहां से, आखिर इनको पावर्स आती कहां से। खैर टोनी ये पता भी कर लेता। फिर इसके बाद टोनी सारे इन्फिनिटी स्टोन की मदद से अर्थ के ऊपर एक डिफेंस लेयर लगाता और अपने सूट को इतना पावरफुल बनाते कि सेलेस्टियल तक की गांड फट जाती अर्थ की तरफ आग घुमाने से। और फिर टोनी सबसे पावरफुल हो जाता है एवेंजर्स की टीम में और इन्फिनिटी स्टोन की मदद से वो सारे एवेंजर्स को भी एक अपग्रेड देता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं देता, हाँ देता, लेकिन शायद ये सब होने से पहले सारे इन्फिनिटी स्टोन अपने टोनी को करप्ट बनाने लग जाते क्योंकि जो भी इन्फिनिटी स्टोन को यूज कर रहा होता है उस टाइम इन्फिनिटी स्टोन उस यूजर को करप्ट करने लग जाते हैं, उसको गलत दिशा दिखाने लग जाते हैं। खैर बाकी क्या होता नहीं होता ये तो डायरेक्टर और राइटर्स के हाथ में है क्योंकि वही गॉड होते हैं मूवी के। तुम सबको ये वीडियो कैसी लगी, तुम्हारे क्या विचार है कमेंट के अंधेरी गुफाओं में बता सकते हो। और सब्सक्राइब वाले लाल बटन पे एक स्नैप कर दो और सब्सक्राइब कर लो। मैं मूवी बॉय आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में।